हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ मिन्नती। आप सभी को मेरे चैनल पर स्वागत करती हूँ। तो आज मैं कसूरी मेथी पूरी और सफेद मटर चने की सब्जी बनाने जा रही हूँ। तो सबसे पहले कसूरी मेथी पूरी बनाएंगे। कसूरी मेथी पूरी बनाने के लिए मैंने यहाँ पे 2 कप आटा, 1 कप मैदा, 4 टेबलस्पून कसूरी मेथी, 2 टेबलस्पून अजवाइन, 1 से 2 टेबलस्पून ऑयल और स्वाद अनुसार नमक लिया है। आप चाहे तो इसमें लाल मिर्च पाउडर भी ऐड कर सकते हैं। अब हम सबको अच्छे से मिला लेंगे। अब थोड़ा थोड़ा पानी डालकर एक टाइट डो बनाएंगे। डो को मैंने 20 से 30 मिनट तक ढककर रख दिया है। 20 से 30 मिनट अब हो चुका है। अब एक कढ़ाई गरम करेंगे। अब हम छोटे छोटे डो बॉल बनाएंगे और ऑयल से बॉल को डिप करके या फिर चकले को ऑयल से ग्रीस करके पूरी बेलेंगे। पूरी को ना ज्यादा मोटा ना ही ज्यादा पतला बेलें। अब गरम तेल में पूरी को फ्राई कर लेंगे। बाकी पूरियों को भी इस तरह से फ्राई कर लेंगे। कसूरी मेथी पूरी बनाने में बहुत ही आसान है और ये खाने में बहुत ही टेस्टी लगता है। आप चाहे तो इसको दही अचार, आलू की सब्जी या फिर मटर चने की सब्जी के साथ भी खा सकते हैं। तो चलिए अब हम सफेद मटर चने की सब्जी बनाते हैं। इसको बनाने के लिए मैंने 2 कप सफेद मटर, 2 से 3 आलू, 2 प्याज, 2 टमाटर, लाल मिर्च, अदरक, लहसुन, तेज पत्ता, गोटा गरम मसाला जैसे कि बड़ी इलायची, छोटी इलायची, दालचीनी, लौंग, काली मिर्च ये सब लिया है। सबसे पहले मटर को हम 5 से 6 घंटों के लिए पानी में भिगो कर रख देंगे। अब मटर और आलू को 3 से 4 कप पानी में नमक हल्दी डालकर प्रेशर कुकर में 4 से 5 सीटी आने तक बैठा देंगे।
अब हम मसाला प्रिपेयर करेंगे। एक मिक्सी जार में हम अदरक, लहसुन और मिर्ची का एक पेस्ट बना देंगे। अब हम कढ़ाई गरम करेंगे। कढ़ाई में 4 टेबलस्पून ऑयल डालेंगे। ऑयल गरम हो चुका है, अब हम तेज पत्ता डालेंगे, गोटा गरम मसाला डालेंगे। साबुत जीरा डालेंगे, कटे हुए प्याज डालेंगे। आप चाहे तो कटे हुए प्याज की जगह प्याज का पेस्ट भी डाल सकते हैं। अब हमारा प्रेशर कुकर भी 4 से 5 सीटी हो चुका है। अब हमारा प्याज गोल्डन ब्राउन हो चुका है। अब हम इसमें जिंजर गार्लिक चिली पेस्ट डालेंगे। मसाले को अच्छे से भून लेंगे। अब हम इसमें हल्दी पाउडर डालेंगे। जीरा पाउडर डालेंगे। धनिया पाउडर डालेंगे। अब हम इसमें कटे हुए टमाटर डालेंगे और अच्छे से भून लेंगे। अब हम इसमें नमक डालेंगे। मसाले को और कुछ देर तक भूनेंगे। हम मसाले में उबला हुआ आलू और मटर को डाल देंगे और कुछ देर तक ऐसे ही भून लेंगे। अब हम इसमें 2 से 3 कप पानी डालेंगे और कुछ देर तक बॉईल होने देंगे। अब हम इसमें गरम मसाला पाउडर डालेंगे। अब हम इसमें कसूरी मेथी डाल रहे हैं। आप चाहे तो
धनिया पत्ता भी डाल सकते हैं। अब हमारा सफेद मटर चने की सब्जी बनकर तैयार है। अगर आपको मेरा यह वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज लाइक, शेयर, कमेंट और सब्सक्राइब करना ना भूले।